एक आदमी मिला, मैंने उसको पूछा किसको वोट दोगे, तो बोला झाड़ू को। मैंने कहा क्यों, भाजपा को क्यों नहीं? बोला सर भाजपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, आपको वोट देंगे तो बिजली मुफ्त हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? मेरे को एक महिला मिली, मैंने उससे पूछा किसको वोट दोगे, बोले सर आपको। मैंने कहा क्यों? कहते आप 1000 रुपए महीना दोगे हर महिला को। मेरे को एक और आदमी मिला, उसने भी बोला आम आदमी पार्टी को। मैंने पूछा क्यों? कहते सर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, आपने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया, फीस नहीं बढ़ाने दी प्राइवेट स्कूल की, गुजरात में भी फीस मत बढ़ाने देना। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी को वोट देना बहुत फायदा, 30,000 रुपए महीने का फायदा है आम आदमी पार्टी को वोट देने से। भाजपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, बस गुंडागर्दी मिलेगी, गाली गलौज मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला भाजपा को वोट देने से। ये चुनाव आपका भविष्य बना सकता है, ये चुनाव गुजरात का भविष्य बना सकता है, गुजरात का भविष्य बदल सकता है। अभी तक अपने पास कोई विकल्प नहीं था, ठीक कह रहा हूं ना? अभी तक वोट डालने जाते थे ये दोनों मिली हुई थी पार्टियां। इस बार ऊपर वाले ने विकल्प भेजा है, ऊपर वाले ने झाड़ू चलाई है, ऊपर वाले का इशारा समझो और सारे जने मिलके इस बार अपने लिए अपने परिवार के लिए झाड़ू का वोट दबाना। झाड़ू 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 राघव। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में जहां जहां जा रही है वहां बस एक ही नारा सुनाई देता है, केजरीवाल आवे छे परिवर्तन लावे छे। सारे जने इस बार परिवर्तन के लिए वोट देना, गुजरात में भी दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह सारे परिवारों को गुजरात के मुफ्त बिजली मिलेगी, सबको विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी, सबके घर के बड़े बुजुर्गों को बढ़िया इलाज मिलेगा, बढ़िया अस्पताल मिलेंगे, गुजरात में हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, सारी महिलाओं को हर महीने गुजरात की केजरीवाल सरकार 1000 रुपए की आर्थिक मदद देगी, 1000 रुपए की। और गुजरात के सभी युवाओं को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं तब तक 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, सबको मिलेगा। साथियों इस बार सारे जने 27 साल पुरानी
अहंकारी और भ्रष्ट भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना और आम आदमी आम औरत की सरकार, झाड़ू वाली सरकार, केजरीवाल सरकार गुजरात में बनाना। साथियों, ये देखो सबूत लेके आए हैं ये भगवंत मान साहब, अपने साथ पंजाब के लोगों के बिजली के बिल लाए हैं। ये देखो पक्की गारंटी है। ये कोई अनूप सिंह है, अमृतसर में रहते हैं, इनका बिजली बिल जीरो। ये एक और भाई साहब है निर्मल सिंह, इनका भी बिजली बिल जीरो। ये जीरो बिजली बिल पंजाब के देख लो, ऐसे ही तुम्हारे पास भी आया करेंगे। जीरो बिजली बिल, जीरो बिजली बिल, ये पक्की गारंटी है, पक्की गारंटी है। गुजरात में 1 मार्च के बाद आपका बिजली का बिल जीरो आया करेगा। जिस जिसको जीरो बिजली का बिल चाहिए, सारे जने झाड़ू पे बटन दबा देना, चाहिए कि नहीं चाहिए। और सारे सर्वे में अब आ रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बीजेपी जाए 6, आम आदमी पार्टी आवे 6। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, तेमज पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। साथियों, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, गुजरात के युवाओं को कहना चाहता हूं, मैं भी युवा हूं, मेरी उम्र के जो गुजरात के युवा हैं, कोई 25 साल का, कोई 27 साल का, कोई 30 साल का, 35 साल का, आप सबने जब से होश संभाला या जब से पैदा हुए, एक ही पार्टी की सरकार देखी। 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है। अगर 27 साल एक ही रंग की शर्ट पहनो तो शर्ट से भी इंसान बोर हो जाता है, उस शर्ट से भी इंसान बोर हो जाता है। सारे जने इस बार परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना, और जैसे दिल्ली में पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वैसे गुजरात में भी प्रचंड बहुमत की केजरीवाल सरकार बनाना। झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छी शिक्षा पाओ। झाड़ू का बटन दबाओ, मुफ्त बिजली पाओ। झाड़ू का बटन दबाओ, मुफ्त दवा दवाई इलाज ऑपरेशन पाओ। झाड़ू का बटन दबाओ, सारी महिलाओं को 1,000 रुपए का महीने का भत्ता दिलवाओ। झाड़ू का बटन दबाओ, सारे युवाओं को 3,000 रुपए हर महीने की सौगात पाओ। सारे जने झाड़ू का बटन दबाकर परिवर्तन वाली सरकार बनाना। सबको परिवर्तन चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, सुनाई नहीं दिया, क्या चाहिए? भारत माता की। राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी और देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, भारत माता की। आज मेरे साथ मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी आए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, और हमारे देश के क्रिकेट के सुपरस्टार हरभजन सिंह भज्जी, और युवाओं के दिल की धड़कन राघव चड्ढा जी। दोस्तों, ये वाला चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है अपने लिए। अभी तक 27 साल तक हम रोते रहे, अपने पास कोई विकल्प नहीं था। मैं गुजरात में बहुत घूमा हूं, सारी गुजरात की जनता दो चीजों से परेशान है, महंगाई और बेरोजगारी। बहन जी ठीक कह रहा हूं, महंगाई हो रही है ना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा औरतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। आदमी हर महीने तनख्वाह अपनी औरत के हाथ में लाके रख देता है, 15 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलाएं।
तो सभी महिलाओं को, बहनों को, माताओं को मैं 3 गारंटी दे रहा हूं। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा, आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। फायदा होगा नहीं होगा? 2-3 हजार रुपए महीना तो बच जाएंगे। हर महिला को हर महीने 1000-1000 रुपए उसके अकाउंट में डलवाएंगे। तो आपके घर में मान ले 2 महिलाएं, बहू है, सास है, या 3 है, बहू है, सास है, बेटी है, तो 3000 रुपए मिलेंगे, 2000। हर महिला को अलग अलग 1000-1000 रुपए मिलेंगे। फायदा होगा नहीं होगा? तीसरी बात, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल वाले अनऑप्शनल फीस बढ़ा देते हैं, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। मैं गारंटी देके जा रहा हूं, 5 साल किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दूंगा। दिल्ली में पिछले 7 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी, इनकी गुंडागर्दी बंद कर दी प्राइवेट स्कूल वालों की, यहां भी कर देंगे। महिलाओं को फायदा होगा नहीं होगा? जितने मेरे बेरोजगार भाई खड़े हैं, बहुत सारे युवा खड़े हैं, आप जब भी पेपर देने जाते हो पेपर फूट जाता है। ये बीजेपी वाले, इनके मंत्री, ये लोग सारे पेपर बेचने में शामिल है। हमारी सरकार बनेगी, पेपर फूटने नहीं देंगे, 1 साल के अंदर सारी सरकारी भर्तियां पूरी कर देंगे। दूसरी बात, आपके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता तब तक हर बेरोजगार को हर महीने 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बीजेपी वालों से पूछो क्या करोगे, उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनसे पूछो 27 साल क्या किया, वो केवल केजरीवाल को गालियां देते हैं। केजरीवाल को गाली देने से पेट तो नहीं भरता, पेट तो तभी भरेगा जब हाथ में 2 पैसे आएंगे। हाथ में 2 पैसे तो केजरीवाल ही देगा, बीजेपी वाले तो नहीं देने वाले। तो ये परिवर्तन का टाइम है। ऊपर वाले ने आम आदमी पार्टी भेजी है, सारे जने मिलके इस बार झाड़ू का बटन दबाओ और झाड़ू चलाओ। भारत माता की। राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, तेमज पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी।